नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। हम लगातार आपको भारत और पाकिस्तान के बीच मैच की अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और भारत को कहा कि भाई आप गेंदबाजी कीजिए, हम तो अपनी बल्लेबाजी से खुश करेंगे सबको। यहाँ पर जितने भी दर्शक जो आए थे वो थोड़ा सा मायूस ज़रूर होंगे पाकिस्तान से, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेक्ट कर रहे थे सरफराज अहमद कि भाई हम 300 के आसपास का रन जो है बोर्ड पर लगाएंगे, उसके बाद भारतीय टीम को थोड़ा सा प्रेशर में डालेंगे, लेकिन यहाँ पर हुआ थोड़ा सा उल्टा। यहाँ पर बुमराह और भुवनेश्वर की जोड़ी ने दबाव बनाया शुरुआत में और भुवनेश्वर कुमार की इनक्रेडिबल बॉलिंग है। इस मैच के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं काशिप भाई। काशिप भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये स्पेशली आज हमारा सुबह से हमारी कवरेज दे रहे हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, बने हुए हैं कि भाई हम मैच देखेंगे और जो भी विश्लेषण होगा वो हम दर्शकों तक लाएंगे। तो भाईजान, क्या लगता है कि पाकिस्तान 162 क्या लगता है कि चेस करेगी टीम इंडिया? बिल्कुल, देखिए अभिलाष जी, मैच की जब शुरुआत हुई तो लग रहा था, जिस तरीके से टॉस पाकिस्तान ने जीता तो उस वक्त ये लग रहा था कि शायद के कुछ इसमें जो है हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के फेवर में चला गया है आधा मैच। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत हुई, शुरुआत में भारतीय गेंदबाज हावी रहे, शुरुआत से ही जो है वो भारतीय गेंदबाजों ने हावी होते रहे, वो कभी भी कोई मौका ऐसा नहीं दिया, कोई ऐसा स्पेस नहीं दिया जिसमें पाकिस्तानी अपना खुल जाते। बार बार वो कोशिश करने की कर रहे थे कि किसी सूरत से छक्के चौके लगा दी जाए, किसी ओवर में चौका दे दिया जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पा रही थी। और मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत की, शुरुआत से हावी रहे और वो उनको बिल्कुल स्पेस नहीं मिल पाया और यही वजह थी कि पाकिस्तान 162 रन पर ढेर हो गया। लेकिन अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई 162 रन जो है वो भारतीय गेंदबाज उस पर बल्लेबाज क्या कर पाएंगे, देखिए हालांकि 162 रन कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन सवाल वही है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी जो गेंदबाज हैं अभिलाष जी, वो भी अब इस वक्त में करामात कर सकते हैं। जैसा आप तो बहुत बेहतर जानते हैं इस बारे में, मुझे लगता है कि अगर आज आमिर की बॉल टप्पा पड़ के अगर अंदर घुसती है और वो घुसती चली जाती है तो फिर कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर ये जो पिच है दुबई की, ये करीब ये इस तरह की पिच है कि यहाँ पर अगर बॉल अंदर आएगी और बल्लेबाज अगर सीधा खेलेंगे तो ही यहाँ पर फायदा है, वरना अगर क्रॉस बैटेड शॉट अगर आप खेलेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हालांकि भारत को दिक्कत नहीं होनी चाहिए 163 चेस करने में, लेकिन एक सवाल ये उठता है, क्योंकि एक होता है डर भाई। पिछले जो दो मैचेस हमने देखे हैं भारत पाकिस्तान के, एक एशिया कप का मैच देखा था और उसके बाद एक जो ये मैच देखा था, हालांकि पिछले मैच में जब ये दोनों आमने सामने थे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में तो ऐसा लगा कि भारतीय टीम जीतेगी, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान थोड़ा सा हावी रही। खैर, एक मुकाबला और है, लेकिन इस मुकाबले में कहीं ना कहीं भारतीय टीम का बोलबाला रहा है। एक जो और नाम जो थोड़ा सा उभर कर सामने आया है वो है केदार जाधव। ये पार्ट टाइम के रूप में टीम इंडिया में शामिल हुए हैं। टीम इंडिया के पांचवें गेंदबाज हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए थे मैदान पर भाईजान। कहीं ना कहीं केदार जाधव जब गेंदबाजी कर रहे थे, इनका एक्शन बिल्कुल अलग है। ये क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक्स वाला एक्शन नहीं है, ये इनका एक अपना एक्शन है और इस एक्शन में फंसा है पाकिस्तान। जो मिड ओवर्स में जो विकेट निकालने चाहिए थे, ये केदार जाधव ने बखूबी दिया है और 3 विकेट लेकर गए हैं और एक कोटा पूरा किया है अपने 10। बिल्कुल, देखिए केदार जाधव का जो हम कह सकते हैं कि एक्शन है वो बहुत बिल्कुल अलग तरीके का है। उनका अंदाज ही ऐसा है कि बॉल को ही वो ऐसा जैसे समझा के भेजते हैं कि तुम्हें बल्लेबाज की टांगों में फंस जाना है, ऐसी फिरकी बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल केदार जाधव का बिल्कुल जो अंदाज है वो बिल्कुल सूट कर गया है और 3 विकेट जैसे उन्होंने लिए हैं, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने गेंदबाजी की है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में केदार जाधव भारत के लिए एक बेहतर गेंदबाज के तौर पर उभरे हैं। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऐसा बल्लेबाज आए थे लेकिन अब गेंदबाजी का भी काम कर रहे हैं। भाई शोएब अख्तर को मैं अभी सुन रहा था, बख्तर ने कहा कि ठीक है भाई भारत की गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान ने उस शैली की बल्लेबाजी एक बार फिर जो है निराश किया है, क्योंकि बड़े बड़े नाम अब इस टीम में भी हैं। फखर जमान हैं, बाबर आजम हैं, ठीक है बाबर आजम और एक शोएब मलिक में अच्छी पार्टनरशिप हुई, लेकिन इस टीम में मैंने देखा भाईजान बल्लेबाजी के दौरान जब आपके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप लग रही है, आपको पता है कि आपको मैच को आगे लेकर जाना है, बड़ी शॉट्स खेलने का बड़ा प्रयास किया है। सरफराज अहमद आए थे बल्लेबाजी करने, अमूमन हम उन्हें बड़ा शांत देखते हैं, लेकिन सरफराज अहमद ने जो शॉट खेला और मनीष पांडे का जो इनक्रेडिबल कैच है, बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या लगता है सरफराज अहमद जल्दी कर गए भारत के खिलाफ? बिल्कुल, देखिए सरफराज अहमद को थोड़ा सा टिका रहना चाहिए था, उन्हें जल्दबाजी नहीं दिखा। आपके पास जब ओवर है, आपके पास टाइम है, आपको आराम से खेलना है, आपको जल्दबाजी किसके हो, जब आपको लग रहा है कि आपके विकेट गिर रहे हैं, बॉल जो है स्विंग हो रही है,
तो आपको ठहर के आराम से खेलना है, आप जल्दबाजी दिखा रहे हो तो उसका नुकसान तो आपको उठा। और देखिए अभिलाष जी, ये कोई एक दिन का वो नहीं है, हम बराबर देखते हैं। पाकिस्तान हमेशा से बहुत से ऐसे हमने फाइनल देखे हैं, बहुत से ऐसे मैचेस देखे हैं भारत के साथ जिसमें पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव सा रहता है। वो हमेशा से बल्लेबाजी पहले अगर उतर जाते हैं तो हमेशा से हमने देखा है कि वो बिखर से जला, ताश के पत्तों की तरह वो गिर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम क्यों, उन पर ऐसी क्या दिक्कत होती है, ऐसी क्या परेशानी हो जाती है कि भारत के साथ खेलते खेलते, अभी देखिए कितना अच्छा प्रदर्शन किया हांगकांग के साथ, और हालांकि इतना बड़ी टीम नहीं थी लेकिन अब प्रदर्शन पाकिस्तान का मुकाबले भारत का अच्छा नहीं था। बिल्कुल ऐसा लगा गिरते पड़ते जीते, गिरते पड़ते जीते के लिए। तो उसके मुकाबले जब आप हर टीम पर हावी रहते लेकिन भारत के साथ जब पाकिस्तान खेलता है तो मैंने देखा है कि भारत का हमेशा कॉन्फिडेंस के मामले में भारत हमेशा ऊपर रहता है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो है ही खैर भारतीय टीम में, लेकिन एक बात जो पॉजिटिव्स जो निकल कर आए हैं यहाँ पर, भुवनेश्वर कुमार हांगकांग के खिलाफ ऐसा लग रहा था बिल्कुल साधारण बॉलर है, विश्व के टॉप के गेंदबाजों में आते हैं भाई, भुवनेश्वर और बुमराह की जोड़ी शायद मौजूदा समय में विश्व की सबसे बेहतर जोड़ी है, और कहीं ना कहीं भुवनेश्वर और बुमराह की फांस में फंसे भी हैं पाकिस्तानी बल्लेबाज जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो खुलकर खेल रहे थे, यही टीम थी, फहीम अशरफ भी इसी टीम में थे, बाबर आजम थे, हसन अली ज़रूर नहीं है, लेकिन यहाँ पर बाकी खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्म किया है। फखर जमान शॉर्ट बॉल को पुल करने जा रहे थे और इस तरह की जब बल्लेबाजी एकदम साधारण सी बल्लेबाजी लग रही थी पाकिस्तान की, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने थोड़ी जल्दबाजी दिखाई है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये बस वेट कर रहे हैं कि भाई एक विकेट गिरे और मैं जाके टीम को संभालू, नहीं मैं अपना विकेट देकर आता। बिल्कुल देखिए अभिलाष जी, ये लग रहा था कि जैसे वो तू चल मैं आया वाली बात हो रही थी कि बस विकेट गिरते जा रहे हैं। फखर जमा जैसे क्रिकेटर्स पे जब आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है तो आपको थोड़ा सा उसको बखूबी निभाने का वक्त होता है। विराट कोहली से कंपेयर किया जाता है, बिल्कुल विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों से आपका जब कंपेरिजन किया जा रहा है तो आपको ऐसे मौकों पर अपने आप को प्रूव करने की जरूरत होती है कि भाई आप एक बड़ा मैच खेल रहे हो, एशिया कप में आप खेल रहे हो, तो आप आपको अपने आप को दिखाना है, आपको ठहर के क्रिकेट खेलनी है। क्रिकेट में जल्दबाजी नहीं होती है, जल्दबाजी का हमने देखा है शाहिद आफरीदी हमेशा ऐसे मौके पर पाकिस्तान को वो कर दिया करते थे कि जब पाकिस्तान जीतता हुआ करता था आए बीच में ऐसे अपने आउट हो गए, पाकिस्तान फिर ढेर हो गई। हमने कई मौकों पर देखा है शाहिद आफरीदी को जल्दबाजी के चक्कर में आउट हो जाया करते। तो वही चीज आज पाकिस्तान ने की है कि जल्द एक के पीछे चलते रहे, जल्दबाजी दिखाते रहे, आपके पास ओवर है, आपके पास सब कुछ, उसके बावजूद आप जल्दबाजी दिखा रहे हो तो जाहिर सी बात है 162 आप ढेर हो जाओगे। बिल्कुल 162 जो है ये काफी जो है कम स्कोर जो है लगा, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भारतीय टीम को ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी। लेकिन अब जो एक पॉजिटिव निकल कर आया है भाईजान, जिस तरीके से हमने भारत की गेंदबाजी देखी है, पाकिस्तान की बल्लेबाजी ये बात था हम सभी जानते थे थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन इतनी कमज़ोर होगी ये हमने नहीं सोचा। 200 से कम का लक्ष्य रखेंगे इतना होगा, क्योंकि ये पिच ऐसी है कि यहाँ पर आप 200 से 250 के बीच में अगर आप बनाते हैं तो आप लड़ सकते हैं, 162 में आप शायद लड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर भारतीय टीम की गेंदबाजी अब क्या आगे भी परेशान कर सकती है पाकिस्तानी बल्लेबाजों को? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि अभी ये बॉलिंग पिच है, अब देखिए हालांकि दुबई में जो है वो शाम हो चुकी है, गर्मी उस वक्त बहुत थी तो, लेकिन अब जो है वो मौसम बदल चुका है तो हो सकता है कि बॉल में परिवर्तन आए। लेकिन अभी फिलहाल देखिए अभिलाष जी, सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान अगर 200 क्रॉस कर गया होता या 200 तक पहुँच गया होता तो ये मैच एक अच्छा टक्कर दे सकता था, एक दूसरे को अच्छा बॉल टू बॉल जो है मैच हो सकता था। लेकिन अब जो है वो 162 कोई ऐसा बड़ा स्कोर नहीं है कि जिस पे आप जो है वो बॉल टू बॉल मैच खेलो, उस पे जो है वो कुछ तो उसके पाले में या मेरे पाले में बॉल वो आए मैच आए। यहाँ सिंपल सा लग रहा है कि अगर पाकिस्तान विकेट नहीं चटका पाता है भारत के शुरू में तो भारत जो है वो बहुत आसानी से अगर विकेट नहीं गंवाता है अपने तो बहुत जल्दी जो है वो 30 ओवर तक इस मैच खत्म करने की क्षमता रखता है। बिल्कुल भारतीय टीम जो है अगर टॉप 3 इनके चले, हालांकि विराट कोहली नहीं है लेकिन शिखर धवन और रोहित शर्मा में से कोई एक भी अगर यहाँ पर टिका तो ये स्कोर जो है ये बहुत जल्दी चेज होगा। और बड़ी बात ये है कि भारत के लिए भी एक पॉजिटिव नोट आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से जीत हासिल करके अपने चिर प्रतिद्वंदी के से जीत छीनते हैं या हासिल करते हैं तो आपके पास एक मोमेंटम हो जाएगा, जो बात सरफराज अहमद कर रहे थे, हमने खबर भी की थी, उन्होंने कहा कि हम भारत को हराकर मोमेंटम हासिल करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक इन्होंने भी ले लिया था कि भाई भारत बड़ी टीम, क्योंकि यहाँ पर भारतीय टीम की तरफ से ऐसा कोई बयानबाजी नहीं आई है कि भाई नहीं हम पाकिस्तान को बड़ी टीम मानते हैं, हमारे लिए एक टाइम में एक मैच की तरह। तो क्या ये कॉन्फिडेंस की भी कमी झलकी है इस टीम में? हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि मैं लगातार इस बात को बराबर कह रहा हूँ अभिलाष जी कि देखिए
साइकोलॉजिकल जो होता है वो बड़ा प्रेशर होता है। जब आप खास करके क्रिकेटर्स पे भी हमने देखा है कि जब कोई मेंटली या किसी चीज़ को आप दिक्कत में होते हो तो आप अपना वो चीज़ आप मैदान पे नहीं कर पाते हो, वो उस चीज़ का असर मैदान पे देखने को मिलता है। और वही हुआ है कि भारतीय गेंदबाज हों या बल्लेबाज हों, वो अपने अंदर इतनी क्षमता रखते हैं कि वो पॉजिटिव रहते हैं मैदान पे। और पाकिस्तान वालों का क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं दिमाग पर, वो उस चीज़ मैदान पर नज़र आती है, हड़बड़ाहट सी रहती है कि आप जो है वो क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हो, आप जो है वो क्रिकेट को वक्त नहीं दे, समझ नहीं पा रहे हो कि अभी ओवर आपके पास मौजूद है, आप खेल सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप मनोवैज्ञानिक तौर पर आप दबाव में हो, साइकोलॉजिकल आप दबाव में हो, उसका असर तो आपको दिखेगा। और भारत के साथ आपके साथ ऐसा रहता है कि आपके ऊपर मुल्क की आवाम का भी प्रेशर होता है और कहीं ना कहीं सरकार का भी प्रेशर होता है कि भाई आपको ठीक है आप ऑस्ट्रेलिया से हार जाओ, आप साउथ अफ्रीका से हार जाओ, लेकिन भारत से मतलब। भारत से हार के आओगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। चलिए भाई, अब पाकिस्तानी टीम के पास अभी और मौका भी है क्योंकि सुपर चार में दोनों ही टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। खैर, ग्रुप ए के दो चिर प्रतिद्वंदी फाइनल में एक संक्षेप में ले लेते हैं, आज का मैच आपके हिसाब से भारत जीत रहा है? बिल्कुल, भारत का मैं बिल्कुल मानता हूँ कि रास्ता साफ है, भले ही अगर अगर आमिर जो है वो अगर कांटे नहीं बिछाते हैं रास्ते में तो रास्ता बिल्कुल साफ है। बिल्कुल, अगर उस्मान खान और मोहम्मद आमिर की फिरकी नहीं चली, अगर गेंद में स्विंग नहीं हुई, जो बात सरफराज अहमद भी कर रहे थे पहले कि हमें स्विंग चाहिए, अगर हमें स्विंग नहीं मिली तो हमें दिक्कत हो सकती है। बहरहाल, आपको बता दें कि अगला मैच भी होना है, फाइनल की बात कर लेते हैं जैसा इस मैच में दिख रहा है। खैर, दोनों टीमें स्ट्रांग हैं, बांग्लादेश और अफगानिस्तान उस ग्रुप से आई हैं, तो क्या फाइनल हम भारत और पाकिस्तान में देखें? बिल्कुल, देखिए भारत पाकिस्तान का अगर फाइनल होता है तो फिर क्रिकेट का मज़ा ही दोगुना हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि आज का मैच से जो है वो अगर जिसके पास में जाता है मैच, भारत या पाकिस्तान कोई भी जीतता है टीम, तो वो आज के मैच से बहुत कुछ सबक लेगी। और हम तो चाहेंगे कि आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान ही फाइनल खेलें कि जिससे कि एशिया कप जो जाना जाता है अच्छा, वो हमेशा एक बार बरकरार रहेगा, और जनता भी यही चाहेगी कि वो भारत पाकिस्तान का फाइनल देखे। चलिए, भारत और पाकिस्तान का फाइनल, हमारे फैंस भी यही चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का फाइनल हो। हमने जहाँ पर भी बातचीत की, हर किसी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान ही फाइनल खेलें। फिलहाल भारत का पलड़ा भारी लग रहा है इस मैच में। बाकी इस मैच से रिलेटेड और एशिया कप से रिलेटेड तमाम अपडेट्स और फैक्ट्स के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे, लेकिन फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप भारत पाकिस्तान मैच या भारतीय टीम की कुछ अन्य खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। वादा है आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे, और जो भी आपका हक है, जो भी आप पूछना चाहते हैं खिलाड़ियों से, वो भी हम उन तक बात पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.